भगवान बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है काला नमक चावल। काले रंग की भूसी के चलते इसका नाम काला नमक चावल पड़ गया। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लग जाता है कि यह चावल सीधे भगवान बुद्ध से जुड़ा है और इसलिए इसे महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। इस चावल का इतिहास कम से कम 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से जुड़ा है। काला नमक चावल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर राम चौधरी ने न्यूज 18 डिजिटल से बातचीत में इस चावल के महात्मा बुद्ध से इस चावल के जुड़ाव की कहानी भी बताई। काला नमक को भगवान बुद्ध के प्रसाद क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि अपने ऋषि मनीषी या वैज्ञानिक जिनको कहा जाए, उन लोगों ने इस काला नमक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम शांत। लेकिन एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था ह्वेनसांग। तो यद्यपि ह्वेनसांग ये भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब करीब 300 साल बाद आया, लेकिन उनको एक जुनून था इस बात का कि हम जो बुद्धिस्ट पुस्तकें हैं वो उनको हम इकट्ठा करें। तो वो तो उन्होंने किया, ह्वेनसांग ने, बाद में फायान भी आया था, उन्होंने भी किया। तो ह्वेनसांग जब आया था वो तो एक तरह से बुजुर्ग था, बुजुर्गी की उम्र में था, लेकिन बड़ा परिपक्व था। तो उन्होंने ये बुद्धिस्ट धर्म की किताबें तो इकट्ठा की, उसको ले गए, लेकिन जो अपनी आँखों से इस देश में देखा वो भी उसमें लिखा। तो उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया बोधगया में, तो वहाँ से उन्होंने सोचा कि हम अपने राजधानी चलें, माने अब तो खैर उनका रहा ही रहा, लेकिन एक ही अपने पिता की राजधानी चलें। तो वो उसमें कोई और रास्ते तो होते नहीं थे, कोई और साधन होते नहीं थे, पैदल आ रहे थे। पैदल वो यूँ समझिए कि बोधगया से वैशाली होते हुए और वो सिद्धार्थ नगर, जो आज का वर्तमान सिद्धार्थ नगर है, वहाँ का एक जंगल है बजहा, और अब तो जंगल रहा नहीं, सब कटकटा गया, लेकिन एक बजहा गांव अभी भी है। तो वहाँ से वो गुजर रहे थे और ऐसा ह्वेनसांग ने लिखा है। और गुजरते समय वहाँ के किसानों ने प्रसाद मांगा, आशीर्वाद मांगा। हम लोग भी हैं, अपनी परंपरा है कि कोई अगर पहुँचे हुए लोग होते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि आशीर्वाद हमको दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा लिखा, ह्वेनसांग ने, भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक मुट्ठा धान का बीज निकाला और ये उनको कहा कि आप इसकी खेती करिए, लेकिन ऐसी ज़मीन में जो थोड़ी निचली ज़मीन हो, जिसमें काफ़ी देर तक पानी रुकता हो, उसकी खेती करिए। इसकी जो सुगंध है वो हमारी याद दिलाएगी और जो इसको आप भोजन करेंगे, इसमें जो छुपे हुए गुण हैं, पौष्टिक तत्व हैं, वो हमारा प्रसाद है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में ये हम लोगों ने वो शब्द दिया। ह्वेनसांग ने तो नहीं लिखा है, ह्वेनसांग ने तो वर्णन किया है उस कथानक का कि उन्होंने एक मुट्ठी चावल धान निकाल के दिया किसान को, आप इसकी खेती करो। तो यही एक जिक्र है। उसके बाद यूँ समझिए कि लगभग अब तो 3000 साल हो गया, 2750 साल के, ये 3000 साल के होने को है, इस बीच कुछ भी नहीं लिखा गया अपनी पुस्तकों में। तो जो कुछ जिक्र आता है, हमारी स्वयं की एक पुस्तक है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने छापा है, वो है स्पेशलिटी राइसेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रीडिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। उसमें एक चैप्टर लिखवाया हमने, उसमें खाली काला नमक का ये जिक्र है, लेकिन इन बिटवीन इस किस्म की ऐसी कोई बात नहीं आई है कि किसी ने काला नमक के ऊपर लिखा हो कुछ, या उसका जिक्र किया हो, या उसके बारे में कहा हो कि भगवान बुद्ध का प्रसाद है। तो इस सारी की सारी चीज़ जो है वो ह्वेनसांग के लेखन से आता है, ह्वेनसांग की डायरी से आता है जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामचेत चौधरी, अध्यक्ष PRDF संस्था गोरखपुर।